दोस्तों, आज हम लोग मोटे लोगों को बहुत ही स्मार्ट करने वाले हैं। और ये देखो, हमारा पहला कस्टमर आ चुका है। अरे बेटा, मुझे बिल्कुल कतरीना कैफ की तरह स्मार्ट कर दो। अंकल जी, आप फिक्र मत करो, आपका हम लोग बिल्कुल स्मार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मुझे पता था कि मैं बिल्कुल स्मार्ट हो जाऊंगा। अंकल जी, आपका वेट लूज करने के लिए सबसे पहले हमें आपका वेट दिखना होगा। ओह माय गॉड गाइस, 3 to 6 lb, मेरे तो सिर्फ 30 lb है। मुझे तो लगता है हमारा ये पेशेंट हर वक्त पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड खाता रहता है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी ये गेंडे की तरह फूल गया है। अंकल जी, आप फिक्र मत करें, हम लोग आपके गेंडे जैसे बदन को बिल्कुल भिंडी जैसा बना देंगे। अरे भिंडी जैसा नहीं, बल्कि कतरीना कैफ जैसा। तो चलो, आप जल्दी से मुझे इसके ऊपर ये इंजेक्शन ट्राई करना होगा। अरे ये क्या, इस इंजेक्शन ने तो इसके ऊपर रिएक्शन कर दिया। ओह माय गॉड, अब तो ये अंकल हमको नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग तो आगे से हटो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इसे तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। ओ तेरी की जान, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो फूट रहा है। अरे ये कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, मेरा बटन तो फूट रहा है। तो चलो दोस्तों, ये सारे तो बिल्कुल नमूने हैं, अब मैं जल्दी से अपना ये इंजेक्शन लगाता हूँ, जिससे अंकल का सारा बदन ठीक हो जाएगा। अरे बुलाओ बेटा, तुम बड़े काम के हो, तुम ही मेरा वेट लूज कर सकते हो। और अब हमें इनका वेट लूज करने के लिए इनकी डाइट रखनी होगी। और हाँ, इन्हें तो फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं देना है। तो चलो जल्दी से इनके खाने में चीज, टमाटर, प्याज और ये भीगे पत्ते रख देते हैं। और ये देखो, हमने इनकी डाइट तैयार कर ली है। रुको जरा, अभी तो मेरी दादी का ये बनाया हुआ जड़ी बूटियों का पेस्ट भी है, जल्दी से मैं इसे भी लगा लेता हूँ। और अब हमने सब्जी से बनी इनकी डाइट तैयार कर ली है। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। इसे जल्दी से खाओ, वरना हम लोग जबरदस्ती तुम्हारे मुँह में डाल देंगे। तो चलो, हमने तुम्हें आज के दिन की डाइट दे दिया है, और तुम्हें कुछ दिन बाद फिर से आना होगा। और हाँ, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी तुमने नहीं खानी। अरे वाह, ये देखो, नेक्स्ट तो एक खूबसूरत लड़की आ चुकी है। और तेरे के गाइस, इस लड़की की तो कुछ दिनों बाद शादी है, और इसके हस्बैंड ने डिमांड किया कि अगर इसका वेट 150 से कम होगा तभी वो इसके साथ शादी करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत भला होगा अगर तुम मेरा वेट कम कर दो। तो चलो गाइस, सबसे पहले हमें इस लड़की का वेट देखना होगा। ओ नो, इसका वेट तो 320 lb है, मेरे से भी ज्यादा। जान, तुम तो मुँह के ऊपर झूठ बोले, तुम्हारा वेट तो 500 lb है। लड़की तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारा वेट बिल्कुल कम कर देंगे। तो ओके गाइस, सबसे पहले हमें इस लड़की को जूस बना कर देना होगा, और इसमें कुछ हम लोग जड़ी बूटियां डालेंगे, जिससे लड़की बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और ये हमने सारी चीजों को मिलाकर इसको जूस बना लिया है। मुझे तो ये जूस काफी टेस्टी लग रहा है, चलो इसे पी लेती हूँ जल्दी से। ओ तेरे की, इसको पीने से तो इसका वेट 279 पर आ गया है। और अब हमें इस लड़की का वेट लूज करने के लिए इसको बॉक्सिंग करानी है। लड़की, इस बॉक्सिंग बैग को अपना हस्बैंड समझकर जितना मार सकती हो मार लो। ओ माय गॉड, ये लड़की तो काफी तेजी से इसको मार रही है। लगता है ये हमारा बॉक्सिंग बैग तोड़ेगी। लड़की, बस बस बहुत हुआ। बरी बरी, और अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गया, जिससे इसका वेट 0 lb पर आ जाएगा। अरे बुद्धू का क्या सीन है, हमने इसका वेट 0 lb नहीं करना, बल्कि इसका वेट हमने 150 lb करना है। तो चलो लड़की, जितना भी तुम्हारे में जोर है, जल्दी से भागना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारा वेट बहुत ही कम हो सके। ओह माय गॉड, ये लड़की तो काफी तेज भागना शुरू हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, इसका वेट तो बिल्कुल कम हो चुका है, और ये तो 157 पर आ गया। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, मैं तुम लोगों का ये रूम मालोमाल कर दूंगी। ओह नो गाइस, ये अंकल तो फिर से आ चुके, लेकिन इनका वेट वैसा का वैसा ही है। तो चलो जल्दी से हम लोग इनका वेट चेकते हैं। पहले इनका वेट था 286 lb, और अब हो चुका है 182। और अब तो हमें इनके घर जाकर इनकी डाइट चेक करनी होगी। ओह नो गाइस, इस अंकल का घर तो सारा फास्ट फूड से बड़ा है। और ये देखो, सबसे पहले तो मुझे बर्गर मिला है, और मुझे तो ये चिप्स भी मिल चुकी है। अरे ये देखो जी, तो ये चॉकलेट छुपा रहे हैं। ये लो, मैं तो इसे देख रहा था कि इसमें क्या लिखा है। ये सब कुछ मेरा नहीं, बल्कि मेरे आए हुए मेहमानों के बच्चों का है। तो चलो, अब हम लोग तुम्हें नेक्स्ट डेट देते हैं, और तुमने इस डेट को वापस आना है। ओ तेरे की गाइस, ये क्या शिजुका को ये क्या हो गया। अरे मुझे तो लगता है शिजुका फास्ट फूड खा कर काफी मोटी हो चुकी है। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने वेट लूज की दुकान खोली है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। तो चलो, सबसे पहले हम लोग शिजुका का वेट देखते हैं। ओह नो गाइस, शिजुका का वेट तो 313 lb हो चुका है। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे इस डाइट में ये डोनट वगैरह खिलाने वाले हैं। ये लो शिजुका, हमने तुम्हारी डाइट तैयार कर दी है, और इसकी डाइट में हम लोगों ने टमाटर और ये फ्रूट शामिल करने हैं। अब हम लोग जल्दी से इसकी डाइट बनाना शुरू करते हैं। ओह नो, जियान ने तो इसमें पेस्ट्री भी डाल दी। जियान तो किसी काम का नहीं है, चलो हम लोग इसे बाहर निकाल कर फेंकते हैं और इसमें टमाटर डालते हैं। और अब इसका ये खाना तैयार हो चुका है, जल्दी से शिजुका इसे खा लो। अरे वाह, हमारे इस डाइट को खाकर तो शिजुका का वेट कम हो चुका है। और अब हमने शिजुका का टेस्ट करना है, क्या वाकई में शिजुका अपना वेट कम करना चाहती है या फिर नहीं। तो
चलो शुरू कर जल्दी से, बताओ लेफ्ट या फिर राइट। मैं तो इस राइट को चुनूंगी। अरे वाह, इसका मतलब है कि तुम वाकई में अपना वेट कम करना चाहती हो। और चलो आप शुरू का बताओ जल्दी से, लेफ्ट या फिर राइट। आप पता लगेगा ना कि शुरू का किसको चुनेगी। मुझे तो ये रनिंग करना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं रनिंग चुनूंगी। शिजू का तुम तो जल्दी अपना वेट लूज कर लोगी। और चलो लास्ट क्वेश्चन, लेफ्ट या फिर राइट। दोस्तों लेफ्ट में तो ये रेस्ट है और राइट में ये जिम है, देखते हैं शिजू का किसको चुनेगी। मैं तो राइट को चुनूंगी क्योंकि मुझे जिम करना काफी अच्छा लगता है। और इसका मतलब है कि तुम अपनी डाइट में कामयाब हो जाओगी। और ये रही शिजू का की लास्ट एक्सरसाइज, और इसमें तो शिजू का को रनिंग करनी है। ये लड़का तो शिजू का से पहले वेट लूज कर रहा है। काम है शिजू का, तुम भी किसी से कम नहीं है, जल्दी से इनको हरा दो। ओह माय गॉड, शिजू का तो पहले जैसी हो चुकी है। और अब हमने इन सारे फास्ट फूड को खाकर अपने वेट को बहुत ही ज्यादा करना है। तो चलो फिर जल्दी से भागना शुरू करते हैं। बरी बरी, इन सारे बर्गर को खाकर तो मुझे काफी मजा आ रहा है, मैं तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ओहो, ये तो मेरी फेवरेट फूड है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ओ तेरे की गाइस, हमारा वेट तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है और अब आ रही है हम इस लड़की के साथ टक्कर कर इसको मार डाले। ओ नो, ये देखो ये लड़की कितनी दूर जाकर गिरी हमारी सिर्फ एक टक्कर से। इसका मतलब है हम लोग बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं और अब तो हम लोग फिर से आ चुके हैं। देखकर दोस्तों इस बार ये लेवल काफी खतरनाक होने वाला है। इस चीची, मेरे पास तो ये सब्जी आ रही है और इस सब्जी को खा कर तो हमारे पास ताकत ही नहीं रही। अरे ये क्या, हम लोग तो इस दीवार को भी नहीं तोड़ पा रहे। इसका मतलब है हमें ये सब्जी वगैरह नहीं खानी चाहिए बल्कि फास्ट फूड खाना चाहिए। और अब हमने फिर से ये फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है और अब तो हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं और हमारा मुकाबला किसी लड़की के साथ होने। ओह माय गॉड, इतनी मोटी लड़की। तो चलो फिर जल्दी से आप लोग इसे गिराते हैं। अरे वाह, ये तो हमारी एक ही टक्कर से गिर गई। और अब इस लड़की की बारी है। ये लो बेटा, अब तो तुम नहीं बचने वाले। ओह नो गाइस, इसका झटका तो हाई जोरों से लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है और देखना इसको तो हम लोग हरा ही डालेंगे। मेरे पिछवाड़ी की पावर, और हमने तो इस लड़की को हरा दिया। तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो, इस बार मुझे खुद ही भागना पड़ेगा। देखकर जी यार, इस बार काफी सही लड़की है जो कि हमको रोक ली है और हमने उनको मारते जाना है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तो इस लड़की की बैंड बजा दूंगा। ओ नो, जियान को तो इस लड़की ने मार डाला। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओह माय गॉड, जियान तुमसे ना हो पाएगा। अरे बॉस, आपने तो मेरी इंसल्ट कर ली, बार बार इस लड़की से मार खा रहे हो। एक बार नहीं बल्कि चार चार बार जियान ने इसे मार खा ली। अब तो मैं इस लड़की को हरा कर दम लूंगा। जियान, तुम्हें तो डूब कर शर्म से मार जाना चाहिए क्योंकि तुम तो इस लड़की से बार बार हार रहे हो। चलो 1, 2 और 3, मैं तो रास्ता बदल कर भाग रहा हूँ। अरे जी यार, ये तो डूब मरने का मुकाम है, तुम तो एक बार सूब सी लड़की से हार गए और ये देखो ये दूसरी लड़की तो फिर से आ चुकी है। ओ गाइस, फाइनली मैं लास्ट तक पहुंच चुका हूँ और आप इस लड़की की हार नहीं। दोस्तों 1, 2 और 3, बूम, जान ने तो इसको काफी लंबा फेंक दिया। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा तक कमेंट लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।